काजल यादव, स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। राठ नगर की जनता ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गिनाई अपनी समस्याएं। आज हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम ने कैसा हो हमारा सांसद की मुहिम पर राजा विराट की नगरी राठ नगर पर नवयुवकों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बेरोजगार नवयुवकों, मजदूरों, बच्चों से बात की, जिसमें लोगों ने अन्ना जानवरों की समस्या किसानों के लिए सबसे अहम समस्या बताई। वहीं महिलाओं ने किसानों को मिलने वाली सहयोग राशि बैंकों द्वारा ना मिल पाने की समस्या बताई। गांवों में सिंचाई एवं लाइट की समस्या बताई। वहीं चरखारी रोड पर सड़क समस्या बताई गई। नवयुवकों की समस्या पेपर लीक हो जाने की बताई गई। वहीं कुछ लोगों ने योजनाओं का लाभ मिल रहा है इस पर भरपूर जोर दिया। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आर्य, इस समय हम लोग हैं चरखाई रोड राठ पर, जहां हमारे बीच में कुछ नवयुवक भी हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे इन मतदाताओं की क्या राय है। आपका नाम क्या है? आप क्या चाहते हैं हमारा सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए कि यहाँ रोड डल जाए जी, यहाँ धूल मिट्टी बहुत उठती है, बहुत सी समस्या है, यहाँ बाथरूम और यहाँ बदबू आती है, ये सब होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस प्रकार का सांसद चाहेंगे? आप क्या विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में? सरकार से चले और कुछ आपकी सुझाव सरकार के लिए? और सुझाव सरकार जी, इन्होंने एक मुद्दा रखा है कि जितने भी पेपर देने जाते हैं बोलते पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण से विद्यार्थियों का आने जाने का खर्चा बर्बाद होता है और वो भर्ती पूरी नहीं प्रक्रिया हो पाती। देहातों में जो काम आम आ रहा है ना, और कई तरीका जैसे कि गरीब आदमी के पास वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, आवास वाली एक समस्या हमारे भैया ने बताई है, और भी हमारे बीच में काफी नवयुवक हैं और बुजुर्ग भी हैं। पीछे भाग जाओ। हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, क्या करें? हम तो बस सिर्फ मोदी को देंगे, मोदी के अलावा कोई नहीं, हमारा मोदी है, मोदी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे करा दो भाई, नहीं मोदी रहेगा, मोदी रहेगा। तो आपका ग्रीन कार्ड के माध्यम से आपका जो भी कर्ज था वो माफ हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, हम कुछ कह रहे थे जी जी, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, किसान की अच्छा मध्य के अच्छा काम करती है, इसलिए कांग्रेस को सरकार आना जरूरी है और दल और बदलाव बहुत जरूरी है। भैया मोदी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप? हम मोदी है, मोदी से हमारा लगाव है, मोदी जैसा देश में बर्बाद हो जाएगा, मोदी जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। कुछ प्रक्रिया बताएं, जैसे कुछ लाभ आपने पाए हो? मोदी ने बहुत अच्छा लाभ किया है, जैसे शौचालय दवाएं बहुत से कार अच्छे किए उन्होंने। आप भैया बताना चाहिए? नहीं, किसान के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने घोषणाएं बहुत अच्छी की है और हमारा कर्ज भी माफ किया है, वो करेंगे उनका दावा है। जी जी, और भी हमारे बीच में जनता है। चाचा, तो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो समस्या हमारी है वे हल करने पाए। जैसे कि क्या समस्या है? माता जी की तालियां बंद कर दिया, बंद कर दिया जी। कुछ नहीं, सूखा वाला पैसा नहीं मिला आपको? बैंक वाला
वाले मैनेजर वाले खा जाए, किस किस बैंक वालों ने खाया? हम उन्हीं के बोर्ड देंगे जी। आपको क्या क्या लाभ मिल चुके हैं? लेटरिन मिल गई जी, आवास लड़का को मिला। अच्छा, गांव कौन सा है आपका और वहां पर लाइट की व्यवस्थाएं कैसी हैं? लाइट गड़बड़ है। अच्छा, लाइट व्यवस्था अच्छी नहीं है, सही टाइम पे नहीं आती है। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था? वही दिन तो फसल बर्बाद हो गई ना, लाइट भी सही नहीं रही जी। और भी हमारे नवयुवक साथी भी हैं यहाँ पर, चुनाव आने वाले हैं और आप अपना सांसद को किस रूप में लेना चाहेंगे ताकि हमारे समाज का विकास हो? ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारे देश का विकास करे, वही जी। आप कुछ और सुझाव, किस चीज की कमी आपको राजनगर में दिखाई दे रही है? कमी तो सबसे ज्यादा जी, ये बड़ा मुद्दा आ रहा सामने कि गांव की गाय के लिए कि गाय फसल को बर्बाद कर रही हैं, और भी इनके लिए जाना चाहेंगे भाई साहब से क्या गायों का प्रबंध किया जाए? किसान ये नहीं हो पा रहे, अन्न करता है जी, अच्छा खेत भी नहीं हो पा रहे हैं, कारोबारी के लिए किसान के पास पैसा नहीं है उतना ताकि जो कारोबारी करवा सके। आपका गांव कौन सा है? पथरौड़ी गांव। पथरौड़ी गांव भैया, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सांसद के लिए? मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के सांसद हो वो यहाँ एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दें, और बहुत सारा जो सिस्टम यहाँ का खराब है, यहाँ भ्रष्टाचारी ज्यादा चलती है, उसके खिलाफ एक अच्छी मुहिम चलाएं जिससे भ्रष्टाचार का जो चल रहा है उसकी जो सारी प्रक्रिया है वो जल्द से खत्म होनी चाहिए, भले ही टाइम लगे। हमें एक ऐसा कमिटी चाहिए जो यहाँ से सब कुछ खत्म कर सके और एक आम आदमी को भी बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराए जी। मैं यही कहना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप, हमारा सांसद कैसा हो, इस मुहिम पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी काम करेंगे जी। और कौन सा गांव है आपका? गिरौल। आप कहाँ से हैं? गिरौल। क्या है आपके गांव में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था है। अच्छा, धान को इस बारे में जानकारी दी गई क्या कहना चाहेंगे कि हमारा सांसद कैसा हो हमीरपुर जिला का? आपको आप नए सांसद के किस रूप में लेना चाहेंगे, आप क्या बता चाहेंगे? बंदूक वाले सर्वे कर रहे हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? हमारा कोई हो जो अभी है मोदी जैसा हो जी। आप भैया क्या कहना चाहेंगे? मोदी हमें जिस इस सरकार में सौ है, किसी सरकार में नहीं हुआ, 60 साल पहले कांग्रेस का राज अभी तक चला रहा है जी जी, जो उसने किया वो है पाकिस्तान मुझे कोई सेवा नहीं है, जो ये कर रहा है देश के लिए बहुत अच्छा काम। अच्छा, कोई योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? अरे हो रहा है, चल रहा है गरीब लोगों के लिए। अब है जो तो मकान दो हमें 2.5 लाख रुपए, अच्छा अभी बार कितना मिला? 2.5 लाख रुपया अभी एक स्टार्ट की। अच्छा, अब दो बकाया किस गांव में? अतोलिया राज जी जी जी, बहुत अच्छे। चाची आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जी आइए कि वो मकान बनना है तो बनवा दो। अच्छा, बन गया आपका मकान? अबे कहाँ है, अधूरा बन गया। एक कैसे मिला यार? जी जी, 50,000 मिला तो कुछ मिला है। 50,000 जी जी जी, अधूरा डरो बनो। हमारे लाने जा सरकार से तो बहुत अच्छी। मैं नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठ के लोगों से हमें जानना चाहिए हमारा सांसद कैसा हो, और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं संदीप आर्या, ब्रजेश शर्मा के साथ हिंदुस्तान न्यूज 24।